हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं टेकी वेज के। दोस्तों, गर्मी का समय आ गया और हम जानते हैं कि पंखा हो या कूलर एसी वगैरह का हमें कितना ज़रूरत पड़ता है गर्मी में, नहीं तो भाई लगता है कि हमारा प्राण ही निकल जाएगा। ठीक है, और जब खास के लाइट चला जाता है और उनके घर जिनके घर में मतलब कि इन्वर्टर नहीं होता है, वो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आज उनके लिए हम सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट है वो है एक मिनी कूलर। मतलब जो लोग रूम वगैरह में रहते हैं, स्टूडेंट वगैरह जो सिंगल रहते हैं, उनके लिए खास के लिए एक प्रोडक्ट है। और जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास, ये देख सकते हैं, एक ये मिनी फैन है और दोनों का दोनों जो है वो रिचार्जेबल है और इसको आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब लाइट कट जाए तो भी। ठीक है, तो दोनों को हम अनबॉक्सिंग करके देखते हैं और सारा कुछ आपको बताते हैं किस प्रकार से काम करता है, कितना देर तक ये चलता है, बैटरी बैकअप वगैरह कितना है, कितना स्पीड है, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रोडक्ट है दोस्तों, ये देख सकते हैं मून लाइट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए फटाफट इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के लिए वैसा कुछ खास है नहीं, इसका पैकेजिंग जो है बहुत ही नॉर्मल है, ये आपको अमेजन पे मिल जाएगा। और यहाँ पे कोई टेपिंग वगैरह हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से आपको ये चार्जिंग केबल मिल जाता है, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल है। और उसके बाद ये जो है आपको इस टाइप का मिलता है। तो आपको ये दो तीन कलर में मिल जाता है। यहाँ पे जो कलर ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया गया है, चार कलर ऑप्शन है। अच्छा, वैसे लिखा हुआ सिक्स कलर ऑप्शन, ठीक है, पता नहीं दो कलर और कौन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से इसका लुक वगैरह है, डिज़ाइन वगैरह इस टाइप से है। और यहाँ पे जो है ये ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। ये कैसे काम करता है सारा कुछ आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दो वेंट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से ये जो है ये इधर ले, मतलब कि अप डाउन जो है ये कंट्रोल हो सकता है, इसको ऊपर नीचे आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया गया है, यहाँ पे जो है आपका, आप यहाँ पे पानी डाल सकते हैं या फिर आप बर्फ़ डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे बर्फ़ डालने के लिए बोला गया है तो आप यहाँ पे बर्फ़ ही डालेंगे। वैसे हम लोग पानी डालकर चेक करेंगे कि पानी डालकर के कैसा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ दिया हुआ है, इसको खोल करके यहाँ पे ये देख लीजिए, ये कुछ यहाँ पे फ्रेशनेस के लिए दिया गया है। तो इसको हम ट्राई करेंगे कि किस टाइप से काम करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो इससे क्या होगी, आपको एक फ्रेश एयर मिलेगा अच्छा खासा आपको। तो इसको हम साइड रख लेते हैं, उसके बाद इसमें हम पानी वगैरह डालेंगे, फिर ट्राई करेंगे किस टाइप से काम करता है। उसके बाद मैं आपको देखो बताता हूँ, ये जो आपको केबल मिलता है डायरेक्ट, आप इसको केबल से चला सकते हैं, पावर बैंक वगैरह से चला सकते हैं। ठीक है, अरे भाई मच्छर भाग जा। चलिए, तो ये है, अभी जो है हमने फ़ैन ऑफ कर रखा है क्योंकि भाई अगर ऑन कर देंगे तो आपको नॉइज़ अच्छा खासा मिलेगा। इसको हम फटाफट ऑन करते हैं, और ऑन करने के लिए आपको पावर बैंक वगैरह में कनेक्ट करना होगा। तो हमारा पावर बैंक कहाँ गया दोस्तों? पावर बैंक तो हमें नहीं मिला, लेकिन ये हमारा जो है गिम्बल ये मिल गया है। इससे हम इस्तेमाल करेंगे और इससे हम चला करके देखेंगे। तो ये हम अपना यहाँ पर लगा देते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर पीछे साइड है यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये देखिए यहाँ पे बैटरी भी लगा सकते हैं, और बैटरी को ये चार्ज करता है नहीं करता, ये बस इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। लेकिन हमारे ख्याल से शायद चार्ज नहीं करता होगा, क्योंकि आपको नॉर्मल बैटरी लगाना है, उसके बाद फिर इसको चला सकते हैं। इसका बैटरी बैकअप वगैरह भी हमें मालूम नहीं है, लेकिन हद से हद आपको 3 से 4 घंटा मिलेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपने केबल को लगा दिया इस टाइप से, बस केबल को जो है आपको लगा देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑन करना है। तो ये जो है वो ऑन हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं अंदर में फ़ैन है, अच्छा खासा जो है हवा आ रहा है। तो ये देख सकते हैं, आपको आवाज़ इसका सुनाई दे रहा होगा, मैं आपको सुना देता हूँ माइक में। तो इस टाइप से यहाँ पे हवा आ रहा है। ठीक है, और बाकी बात हम इसको देखेंगे कि जो हमारा बाल है कितना उड़ता है इसमें, तो पता चल जाएगा कि हवा जो है कितना तेज़ी से आता है। चलिए इसको हम ऑफ़ कर लेते हैं, बाकी हम देख लेते हैं दूसरा प्रोडक्ट को, और फिर पानी वगैरह डाल के इसमें बाद में चेक करेंगे। तो चलिए फिर हम इसको देख लेते हैं, ये सब को साइड कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये है हमारा एक फ़ैन। ठीक है, तो इसका जो लुक है ना काफ़ी हमें मतलब पसंद आया इसका लुक। तो चलिए फटाफट ओपन करते हैं। ये देख सकते हैं ये आपको साथ में केबल मिलता है, माइक्रो यूएसबी केबल चार्जिंग के लिए, और ये इसमें बैटरी भी साथ में दिया गया है, और ये इसका स्टैंड है, और बस। तो यहाँ पे ये आपको फ़ैन मिलता है इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ पे बैटरी लगाने के लिए दिया गया है। तो बैटरी लगा लेते हैं, बैटरी कितना मिली एम्पर का ये लिखा हुआ है क्या? तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन ये इसका बताया जा रहा है कि फुल स्पीड में आप इसको 3 से 4 घंटे तक चला सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं,
और ये देखिए ये ऑन हो गया। यहाँ पे बटन एक बार दबाइएगा, अभी ये जो है लेवल वन पे है, इसको और फास्ट कर सकते हैं, तो देख सकते हैं और फास्ट हो चुका है और ये फुल फास्ट हो चुका है। तो मैं आपको बताऊँ, स्पीड तो ये काफ़ी चल रहा है, लेकिन इससे मतलब हल्का सा ज़्यादा लग रहा है फुल पे कर रहे हैं तो। इसका तो जो था कूलर में लेवल वन पे था, लेकिन हाँ इसमें हवा थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, इसको बाद इसको बंद करते हैं। उसके बाद देखिए इस टाइप से आप इसको खड़ा करके यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये इसको चला करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दूसरा इसमें फीचर दिया गया है मोबाइल स्टैंड, तो आप देख सकते हैं इस तरह से अपने मोबाइल को जो है यहाँ पर रख सकते हैं, तो आप मूवी वगैरह वॉच कर सकते हैं या कुछ भी नॉर्मल है आप देख सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप रख सकते हैं, तो इसके लिए आप मोबाइल होल्डर साथ में मिल जाता है, तो ये यहाँ पे एक अच्छा बात है। और इसका जो प्राइस का अगर बात करें तो ये आपको 300 से 400 में मिलता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका ऑफ़र वगैरह किस टाइप से है। ठीक है, उसका जो इसका जो ये कूलर है, ठीक है, ये जो कूलर है ये आपको मिलता है 400 से 500 के बीच में आपको मिल देगा, तो ये भी ऑफ़र पे डिपेंड करता है। अगर 400 मिले तो ले लेना भाई, क्योंकि मैंने 400 में लिया है, 500 हो जाता है। ठीक है, अभी मैं चेक कर रहा था 500 था, बाकी हम बताएंगे आपको बैटरी बैकअप वगैरह कितना है सारा कुछ बाद में चेक करने के बाद। तो चलिए ये सब सारा कुछ हम देख लेते हैं, अब हम चेक करते हैं कि हवा जो है कितना तेज़ी से आता है। तो सबसे पहले हम इसको ट्राई करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से कितना स्पीड तेज़ी से चलता है। तो सबसे पहले हम लेवल वन पर कर रहे हैं, तो लेवल वन पे देखो अभी इतना दूरी पे है, ठीक है, लगभग 1 फीट के दूरी पे है। ठीक है, और बाल वगैरह उड़ रहा है, तो हल्का हल्का सा आप देखेंगे कि उड़ रहा है। अब इसको हम लेवल टू स्पीड टू पे करते हैं, तो ये स्पीड बढ़ गया है, तो स्पीड में देख सकते हैं इधर जो बाल है हमारा उड़ रहा है और ये दूर है, लगभग 1.5 फीट अभी दूरी होगा। अब हम और स्पीड करते हैं, तो ये फुल स्पीड हो चुका है और जो हवा है काफ़ी अच्छा खासा हवा लग रहा है हमें, मतलब ठीक है भाई उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगे, लेकिन अगर उसको काफ़ी दूर रखते हैं तो हाँ, अगर मैं पूरा ये हाथ भी दूर कर दे रहा हूँ ना, इतना अगर दूर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो हवा जो है यहाँ पे पहुँच रहा है। ठीक है, बाल वगैरह उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा है आपको पता नहीं चलेगा, कुछ मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, तो ये देखते हैं, तो आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का उड़ रहा है, इसमें भी हल्का नहीं पता चल रहा है। तो भाई आपको हम क्या ही दिखाएं, चलिए ये प्लास्टिक ये भी नहीं उड़ेगा यार, चल मत देखो, मतलब कि हवा ना ठीक ठाक आ रहा है, काम चल जाएगा। अब आप सोचोगे ना बहुत ही ज़्यादा हवा है, तो भाई उतना नहीं आएगा। और बात करो बैटरी बैकअप वगैरह का, तो वो मैं बता दूंगा जब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि भाई इसको अभी टेस्ट भी तो करना बाकी है ना, बैटरी बैकअप वगैरह और चार्जिंग वगैरह वो सब सारा कुछ टेस्ट करेंगे। लेकिन हाँ, हवा ठीक ठाक है, आप काम चला सकते हो, अगर ये आपको 300 रुपये मिलता है तो सही है, और गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो उसमें। तो देखो क्या है कि इस टाइप से आप कर सकते हो, इसको ऑन कर दो, ऑन करके आप रख दो और गेम जब खेल रहे हो तो ये इस टाइप से क्या होगा कि आपका फिर जो मोबाइल वगैरह है वो हीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक सही चीज़ है, तो आप इसको इस्तेमाल चाहो तो करना कर सकते हो, क्योंकि भाई जो गेमिंग फ़ैन होता है ना, मतलब फ़ैन, वो आपको 1000, 1500, 2000 रुपये तक में आता है, आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब आते हैं हमारा दूसरा प्रोडक्ट के ऊपर, तो इसको भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि इसका जो है वो हवा कितना तेज़ है। तो चलिए देख लेते हैं, तो ये हमने लगा दिया और ये जो है ऑन कर दिया, तो देखो ये ना मतलब स्पीड इसका कम है। ठीक है, स्पीड इसका कम है, लेकिन हवा जो है अच्छा खासा आ रहा है दूर तक, आप मतलब देख रहे हैं, मतलब अच्छा खासा उड़ रहा है। इसको थोड़ा सा दूर करते हैं, ये हमारा, चलिए तो ये देखिए मैंने अभी इतना दूर कर दिया और यहाँ से भी ये बाल को उड़ा दे रहा है, तो इसका जो स्पीड है ना, मतलब हवा फेंकने का इसका पावर वो काफ़ी अच्छा खासा है। वैसे इसका नॉइज़ बहुत कम है, इसका नॉइज़ आप सुनेंगे, ये फुल पे है, मतलब एक ही तो ऐसे है लेवल, लेकिन इसका आवाज़ बहुत कम है और अच्छा खासा हवा आ रहा है, देखो दूर तक आ रहा है, तो ये मेरे को सही लगा। अब इसमें पानी डाल के देखते हैं कि कुछ डिफरेंस पड़ता है या नहीं पड़ता है, तो फटाफट चलिए इसमें हम पानी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पानी डालेंगे इसमें, वैसे यहाँ पे आपको बर्फ़ डालना है। ठीक है, बर्फ़ डालेंगे तो जो है ठंडा हवा थोड़ा आएगा, नहीं तो उतना नहीं आने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पानी डालेंगे। अब हम देखते हैं इसमें हमें क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हैं ये जो है फ्रेश एयर देगा। अब भाई चलिए देख लेते हैं किस टाइप से फ्रेश एयर और क्या है इसमें। भाई क्या है ये,
नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्मेल भी वैसा नहीं आ रहा कुछ, एकदम नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, नेचुरल प्लांट सही भाई, क्या है भाई ये मेरे को बता देना, देखो पढ़ लो ये सचेत क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, शायद यहीं पे डालना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डाल करके हम इसमें पानी डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पानी डाल दिया, अब हम उसको आराम से डालना होगा भाई, पानी लग रहा है ज़्यादा हो गया है, तो पानी कम कर लें, क्या करें, पानी को हल्का हम कम कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हो गया है, हल्का सा हिलेगा तो पानी जो है ज़्यादा गिर जाएगा। तो गाइस पानी इसमें हमने कम कर लिया है, अब इसको हम अंदर डाल लेते हैं, तो ये चीज़ चला गया और ये यहाँ लॉक हो गया। अब जो है इसको हम चलाते हैं, तो अभी हमें नॉर्मल हवा ही लग रहा है, हल्का सा इम्प्रूव लेकिन हुआ है, हल्का सा। लेकिन अगर इसमें आप बर्फ़ डालोगे ना तो सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई, क्योंकि ठंडा तो मतलब लगेगा आपको, अच्छा खासा लगेगा। और मेरे ख्याल से हो सकता है कि मेरा जो ये USB मैंने जहाँ पे कनेक्ट किया है वो उतना पावरफुल नहीं है, जिसकी वजह से हल्का ये कम चल रहा है। अगर हम अच्छा खासा लगाएं इसको, जैसे मोबाइल चार्ज अगर हम लगाएं या हमारा पावर बैंक फुल्ली चार्ज है तो लगाएं, तो ज़्यादा अच्छा हमें ये दे सकता है प्रेशर में हवा, तो अच्छा है। अगर आप चाहो तो इसको ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, सही है, ट्राई करने का ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और बर्फ़ डालोगे तो अच्छा और ठंडा लगेगा। और बाकी जो हमारा एक है ये प्रोडक्ट, जो कि ये भी जो है बहुत ही मस्त लग रहा भाई, एक नंबर है, तो आप इसको भी देख सकते हो, परफेक्ट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।